शफकत। आपका वलीमा भी अमीर सुनत ने किया था? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अमीर सुनत की सआदत है, मेरी सआदत है, और मुझ पर करम फरमाया इन्होंने कि जब मेरी शादी हुई तो वलीमे की दावत देने हम उससे पहले गए थे, फरमाया कि नहीं वलीमा जो है वो मेरे घर पे होगा। तो हम जिस दिन रुखसत थी निकाह वगैरह के मामला तो मदनी शरीफ में हो चुके थे, जो शादी के दूसरे दिन जो है अमीर अहले सुन्नत के घर पे हम सब ख़ानदान वाले और हाज़िर हुए, अमीर अहले सुन्नत ने हमारी खैरखाई फरमाई, शफकत फरमाई, और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए बरकत है, सआदत है कि मेरे मेहर की जो रकम थी वो भी अमीर अहले सुन्नत ने अता फरमाई थी, 313 रुपये मेहर था और अमीर अहले सुन्नत ने खुद अता फरमाए थे। फिर उसके बाद जो दूसरे दिन हॉल में वलीमा था वहाँ भी अमीर अहले सुन्नत ने शफकत फरमाई थी, वहाँ भी तशरीफ लाए थे अल्हम्दुलिल्लाह। मगरिब मगरिब के बाद मेरे साथ था। आप भी आ गए साथ। ये बगैर दावत के आ गए आप? नहीं नहीं होगी दावत, मेरी दावत कैसे ही नहीं होगी। अच्छा अमीर अहले सुन्नत आप तो खैर थे, लेकिन शादी में साथ साथ आप तो साथ ही थे। तो हाँ ये तो भूल गया मैं। नहीं भूला नहीं करें ना आप, अभी माजी की यादें भी चल रहा है। वो तो आपका जो एक मामूल था, नात खानी, शादी, वलीमा, और फिर ये कहीं कोई इयादत, फिर कहीं कोई ताजियत, जो आज आपका ये सोशल मीडिया के ज़रिए 50-60-70 रोज़ाना का एक बनता है आपका ताजियतों का सिलसिला, तो ये इयादत ताजियत के साथ साथ ये शादी ब्याह वलीमा महफिल, इन तमाम तर मामलात को देखकर एक तंजीम का काम, मशवरे, पूरा एक सिस्टम मैनेज कैसे होता था? अब हो जाता था, अब ये बयान तो गया ना, जब बयान तो फरमाना पड़ेगा ना, तो हम इतने सुनने वाले उनको भी तो मैनेज करना है ना। असल में ये भी तंजीमी काम था ना, जिसकी दिल जोई कर दी उसको अपना बना लिया, जिसके पास चले गए। अच्छा हमारे यहाँ क्या हुआ, एक तो अमीर अहले सुन्नत का अंदाज आप भी थे उस वक्त जब वलीमे में तशरीफ लाए, तो एक तो मगरिब के बाद फिर वो बिछा कर वही सुन्नत के मुताबिक वो दुआ करना और वो जो पूरा अंदाज हुआ। एक चुटकुला भी आपको बताऊँ, एक बड़ा कमाल ये हो गया कि हमारी ये तो मगरिब के बाद शिफ्ट हो गई, खाना वगैरह हो गया, बापा तशरीफ ले गए, फिर मेहमान आए, वो ईशा के बाद आने थे, तो उस जमाने में हमारी जो जमात थी बाटवा जमात, उनकी तरफ से पाबंदी थी कि भाई 10 बजे से लेट करेंगे या 10:30 से लेट करेंगे खाना तो आप पर पेनल्टी लगेगी। तो हमारा जो खाना था वो 10:30 के बाद हुआ होगा, 11 बजे हुआ होगा, तो मेरे वाले साहब को उन्होंने बुलाया कि भाई आप आएँ और आपके ऊपर तो ये एक तरह से चार्ज है कि लेट हुआ। वाले साहब ने कहा नहीं ये तो दूसरी शिफ्ट है, पहले शिफ्ट तो मगरिब में हो गई थी। तो अमीर अहले सुन्नत के आने की बरकत से जो है ना वो उस मामले से भी हम निपट गए थे। अमीर अहले सुन्नत तो पहले मगरिब में आ गए थे, क्या मगरिब में हमारे मेहमान आ गए थे, उन्होंने खाना भी खाया था, ये तो दूसरी शिफ्ट में लोग आए थे, लेट आया, हमने दूसरी शिफ्ट खिलाई थी।